दोस्तों अगेन निकला है वैकेंसी रेलवे की तरफ से, और उससे पहले भी मैं वीडियो अपडेट किया हूँ जो 1,30,000 पोस्ट का है। अगर आपने चेक नहीं किया तो एक बार जाके चेक कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे फिर एक जो अलग डिवीजन के लिए रेलवे से निकला है जॉब, और ये दोस्तों निकला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ऑल इंडिया बेसिस में है, और ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में ये जो पोस्ट सब आएगा, जिसका एप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है 8/3/2019 से और क्लोजिंग डेट है 7/4/2019। तो 7 अप्रैल तक आपको इसको फिलअप करना है। अगर आप ऑनलाइन में पेमेंट करते हैं तो 13/4 तक, SBI चालान में 11/4 तक, और पोस्ट ऑफिस चालान में 11/4 तक आपको इसको फीस पेमेंट करना है। 16/4 तक अंदर इसको आपको जो फाइनल सबमिशन करना है, मतलब 16 अप्रैल तक, और जो जून और जुलाई में इसका एग्जामिनेशन जो हो यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पोस्ट सब क्या है दे देते हैं। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन इसका डिटेल में दे दिया है, और ये दोस्तों लॉन्ग एडवर्टाइजमेंट दिया है इसलिए मैं आपको शॉर्ट बेसिस में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो एज ग्रुप यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे बोला कि एज ग्रुप 18-30 ईयर्स रखा गया है, और जो OBC कैटेगरी के लिए है 3 साल का रिलेक्शन है, SC/ST के लिए 5 साल का यहाँ पे रिलेक्शन भी रखा गया है, और PWD कैंडिडेट जो है तो यहाँ पे जो एज का रिलेक्शन है यहाँ पे रखा गया है आपका 10 ईयर्स का। तो एज का रिलेक्शन जो आपको मिलता है सभी जगह पे यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे डिटेल में दे दिया है आपका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपका 2,500 रुपीज़ रखा गया है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उन लोगों के लिए 250 रुपीज़ यहाँ पे है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही आप इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल में इसको अप्लाई करना है ऑनलाइन में, जो कि indianrailway.gov.in में जाके। इसके बाद दोस्तों अदर टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो आपका एग्जामिनेशन होगा बता दिया है, प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये सबका एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क है। डिटेल सिलेबस इसके बाद नीचे आपका दे दिया है, प्लस आपको टाइपिंग का स्पीड भी आना चाहिए कुछ पोस्ट को देख के। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं इसके बाद आके कि आपका पोस्ट सब क्या है, किस किस कैटेगरी में यहाँ पे पोस्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों दो एडवर्टाइजमेंट निकला है। तो जो RRB यहाँ पे अगर अप्लाई करना है, आप पहले आपको कौन सा रीजन में है और रीजन के वाइज आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे यहाँ पे कौन कौन रीजन में का निकला है मैं आपको बता देता हूँ, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। तो ये सब जो है आपका लोकेशन यहाँ पे है। तो आप इसी लोकेशन, जो भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं उसी लोकेशन का आपका जो RRB का साइट में जाके आपको अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अहमदाबाद में अप्लाई करते हैं तो RRB अहमदाबाद का वेबसाइट मारिए, रांची का है तो आप RRB रांची कर देंगे तो आपका वेबसाइट में जो गूगल में आ जाएगा, तो वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। बाकी जो इसका फॉर्म सब जो है अटैचमेंट करके यहाँ पे दे दिया है, उसी फॉर्म फॉर्मेट में आपको इसको आपको जो है फॉर्म को लेके आपको जाना है। तो दोस्तों यही है इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपका जो पोस्ट क्या है और यहाँ पे क्या स्केल यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे जो पोस्ट सब देखिए आपका जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का है, ठीक है, पहला जो पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, यहाँ पे 10+2+ आपको टाइपिंग आना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर है, यहाँ पे मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। स्टार एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पोस्ट है, यहाँ पे ग्रेजुएशन बोला है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट का पोस्ट है, मैं पोस्ट नाम सब बता रहा हूँ, चीफ लॉ असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, हेड कुक, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, फोटोग्राफर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल, ये सब डिटेल का पोस्ट जो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी तो बहुत ही है, मैं आप एक बार जाके डिटेल में चेक कर लीजिएगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोटा मोटी आपका हर हर कैटेगरी में यहाँ पे पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पोस्ट जो है 30 है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे म्यूजिक टीचर से लेके आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट से लेके सब पोस्ट है। प्लस यहाँ पे बता दिया है कौन सा रीजन में कितना वैकेंसी भी है डिटेल एडवर्टाइजमेंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए RRB अहमदाबाद का अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैटेगरी में आपका 30 पोस्ट है, अजमेर में आपका 49 पोस्ट है, वैसे ही इलाहाबाद में आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे डिटेल में दे दिया है। तो रीजन वाइज कितना कितना वैकेंसी है,
तो आप एक बार जाके इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और नहीं तो आपको अगर आप जो भी रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे आप RRB आपका रीजन का नाम लिख के आप गूगल में सर्च कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक